नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक छोटे से गांव में यहां पर मौजूद हैं। टॉन्स नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत गांव है। टॉन्स नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, यमुना में जाके मिल जाती है। हम यहाँ हाटी समुदाय के एक गांव में एक परिवार के साथ हैं। तीन महिलाएं आप मेरे साथ देख सकते हैं। अभी तक इन्हें सरकार ने जनजाति नहीं माना है। टॉन्स नदी के इस तरफ, टॉन्स नदी के उस तरफ ये 50-60 साल पहले ही जनजाति माने जा चुके हैं। इस मसले पर विस्तार से आप ग्राउंड रिपोर्ट्स देखेंगे, लेकिन आज इनके एक बेहद ख़ास खाने से आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं अपने उन दोस्तों से जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? शीला नेगी। ये शीला नेगी हैं। आपका क्या नाम है? सत्या तोमर। सत्या तोमर। और आपका? तारा नेगी। तारा नेगी। तो तीन हमारे खूबसूरत दोस्त हैं यहाँ पर, तीनों के बहुत खूबसूरत नाम हैं। और आप बताइए तारा नेगी जी, सही नाम लिया ना मैंने? हाँ, कि आज आप क्या बनाने वाली हैं जो बेहद खास है? मैं उलौड़े बनाना चाहती हूँ आज। क्या बनाना चाहती हूँ? उलौड़े। 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 हाँ, तो ये किसी खास मौके पर बनते हैं? ये स्पेशल बनाए जाते हैं, साल में 3-4 बार हमारे बनते हैं इनको, हर त्योहार पे। अच्छा, अगर कोई मेहमान आ गया आप जैसा, हाँ, तो हम जरूर बनाएंगे। जो हमारे जैसे बिन बुलाए मेहमान आते हैं उनके लिए भी बना देते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? पहले दिन तो सर हम ये उड़द की दाल, दिखा दीजिए मुझे तो ये उड़द की दाल, इसको भिगोएंगे, ठीक है, उठ के इसको धोएंगे बढ़िया सा, ठीक है, और फिर इसमें इसका छिलका निकाल देंगे, फिर नमक मिर्च जीरा अदरक अपने खेत का, हाँ, अगर आसानी से मिल जाए। दिखाइए, पीस के रखा हुआ है आपने? पीस के रखा है हमने नमक। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या क्या बताया आपने? अदरक, हाँ, जीरा, हाँ, नमक मिर्च। ओके, बहुत बढ़िया। फिर हम इसको पीसेंगे सील बट्टे में। ठीक है जी, तो पीस लिया आप दाल को, उड़द को पीस लेंगे। हाँ जी। तो इसमें आपने जो अदरक, हरी मिर्ची, नमक, जीरा और उसमें उड़द का पेस्ट बनाया, उड़द दाल का, मिक्स कर लिया। हल्की हल्दी डाल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? फिर हम आटा पिसवा के लाते हैं चक्की से, पानी की चक्की से, पन चक्की से। तो ये मक्की का आटा, इसमें गेहूं डालेंगे, मक्की डालेंगे और चावल डालेंगे। मक्का, चावल और गेहूं का आटा, तीन तरह का आटा, तीन तरह का मिक्स आटा, ठीक है। और फिर हमको, हम इनको गूंद लेंगे, ठीक है, सख्त सा। अच्छा, आप ने आटा गूंद लिया और उसको गोल गोला बना लिया एक उसका, और उसको बोलते हैं आप सीढ़ो। सीढ़ो। फिर क्या करेंगे सीढ़ो का? उबलते पानी में डालेंगे, उबलते पानी में डाल देंगे, फिर उसको अच्छे से पकने देंगे। हाँ जी। फिर जब वो पक गए तो एक कड़छी से फटाफट उसको निकालेंगे एक परात में। हाँ। फिर उसको गूंदना पड़ता है गरम गरम, और थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे हम उसके बीच में। अच्छा। और फिर अच्छा सा उसको गूंदेंगे, जो उसमें वो गोलियां जैसी नहीं पड़े, बिल्कुल बहुत अच्छा सा गूंदेंगे, सख्त सारा, गांठ नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल गांठ नहीं पड़नी चाहिए। और वो ये आपने तैयार करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सख्त है, रखना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ता है आटे को। बहुत बढ़िया। और फिर क्या करेंगी? फिर उसके बाद निकाल के जो है ना गोला बना के, हाँ, फिर हम ये पत्ते लेंगे। हाँ जी। ये पत्ते काट के, हाँ जी, फिर इसके हम गोल गोल बनाएंगे, हाँ, और इसके वो बनाते हैं, उसको बोलते हैं कुश्ती। कुश्ती। हाँ जी, गोल बनाएंगे, हाँ, उसके अंदर हम ये उड़द की दाल डालेंगे दोनों साइड। तो ये रहा आटा तैयार, और ये रहा आपका दाल तैयार। तो तेल लगा लेना हाथ में पहले, ठीक है, लाइए, मुझे भी दीजिए, मैं भी थोड़ा सा आपके साथ साथ सीखता हूँ, है ना, नहीं तो लोग कहेंगे मुफ्त में खा रहा है। लाइए, मुझे भी दीजिए, आपके साथ साथ मैं भी बनाता हूँ, मुझे भी दीजिए, लाइए, मैं भी बनाता हूँ। नहीं नहीं आप बना हुआ मत दीजिए मुझे। मुझे आटा थोड़ा ज्यादा दे दिया लग रहा है आपने। आप
बेसिकली इसमें दाल भरनी है। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा दो बना के दोनों में लगा के फिर इसको ऐसे कर देंगे। अच्छा अच्छा ओके, सील कर देंगे इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बारीक काम है, मेहनत और इसमें धैर्य भी चाहिए, है ना। चिपक जाता है इसलिए तेल लगाते रहना पड़ता है। वाह, चटपटा होता है। लाइए, ये पत्ता हल्दी का है। ये हल्दी का पत्ता है। हल्दी के पत्ते पर ये देखिए कितना खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। इसमें उड़द की दाल जिसमें जीरा, हरी मिर्ची और कुछ और मसाले मिलाए गए हैं जो हमने आपको बताए। कितना सुंदर डिज़ाइन है इसका। बहुत लगन से, बहुत मेहनत से इसको तैयार किया जाता है। इसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है और एक्सपर्टीज़, तो तजुर्बा तो पहली शर्त है अच्छा खाना बनाने की। तो ये हल्दी का पत्ता क्यों इस्तेमाल करते हैं, केले का पत्ता या दूसरा पत्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते? खुशबू अच्छी आती है, इससे अच्छी खुशबू आती है। ये होती है बारीकियाँ। आपने केले के पत्ते में बनी हुई बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन ये हल्दी के पत्ते में इसको पकाया जाता है ना, हल्दी के पत्ते में। बहुत बढ़िया, लीजिए रख लीजिए और फटाफट से बाकी भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे लग रही है भूख। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। तो शीला नेगी ये बताइए आप क्या करती हैं? मैं इस टाइम प्रधान हूँ सर, पंचायत प्रधान हूँ। पंचायत प्रधान हैं आप? देखिए हमारा सौभाग्य, एक पंचायत प्रधान और उनकी साथी हमारे लिए अपने समुदाय का खास खाना बना रही हैं। कब से प्रधान हैं आप? 2020 में। 2020 में बनी है, दो साल हो गए। तो ये बताइए कि आम तौर पे ये देखा है, आपके समुदाय का मुझे नहीं पता है, लेकिन आम तौर पे औरतों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है राजनीति में। सरपंच बन जाती हैं तो उनके घरवाला जो है वही चलाता है पंचायत। आपके मामले में क्या है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। मैं खुद कर रही हूँ सर, मेरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे इसमें। इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। और गाँव के लोग आपकी बात मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कब चुनाव हुआ था, कितनी वोटों से आप जीते? मैं अनपोज आई हूँ। अनपोज जीत गई आप? दबंग फैमिली से हैं क्या? हाँ जी। हैं? दबंग फैमिली से? मियाँ ने डरा के सबको बैठा दिया कि मेरी पत्नी के साथ कोई सामने कोई भी लड़ेगा तो? हैं, पॉपुलर हैं, परिवार सम्मान करता है, तो सर्वसम्मति से आप जीती। वाह, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करती हैं? इसका मतलब आप सबसे ज़्यादा काम करती हैं, है ना, है ना। हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। चलिए, तो आग जलाई जाए? हाँ, क्यों नहीं। आजकल चलता नहीं। चलिए अच्छा है। अब इस पे डब्बा रख दिया। हाँ जी, दिखाइए मुझे क्या है ये? लकड़ी। ये काहे की लकड़ी है? पानी से ऊपर रह गया थोड़ा ना, ये पानी में नहीं भीगेंगे फिर तो पानी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप स्टीम करेंगी, भाप से बनाएंगी? अच्छा, मुझे लगा कि ये कोई जड़ी बूटी है। नहीं, जड़ी बूटी नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं अब मैं समझ गया, क्योंकि मेरे साथ साथ हमारे देखने वाले भी सीख रहे हैं आपसे ये बनाना। अच्छा, अब इसके ऊपर रख देंगे ये? अच्छा, अब इसमें रख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सही, वाह। और स्टीम से जो हल्दी के पत्ते पर रखा है उसकी खुशबू इसमें आ जाएगी।
मेरे हाथ से भी हल्दी का पत्ता रखा था ना, थोड़ी खुशबू आ रही है, तो इसको ढक देंगे। वाह बहुत बढ़िया। कितनी देर लगेगी शीला जी इसमें? इसमें लग जाएगा सर आधा घंटा। आधा घंटा लग जाएगा, ओके। तो इसको फिर ऐसे ही खाते हैं? इसको घी के साथ। घी के साथ, वाह कमाल की बात है कि ये जिस विधि से बन रहा है उसमें अभी तक सिर्फ हाथ में तेल लगाया गया था जिससे आटा ना चिपके, एक बूंद तेल इसमें नहीं है, लेकिन इसको खाया जाता है देसी घी के साथ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, है ना। आप लोग गाय पालते हैं? सब लोग पालते हैं, हर घर में गाय होती है। अच्छा, तो घर का घी होता है आप लोगों का। वाह, आमतौर पर भारत के बारे में, भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में कुछ धारणाएं बना ली गई हैं, मसलन घी दूध का खाना तो फिर हरियाणा या फिर पंजाब, है ना। लेकिन देश के कई राज्यों में कई समुदाय देसी घी का इस्तेमाल करते हैं, गाय भैंस पालते हैं। कई राज्यों में हमें ये देखने का मौका मिला है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, और अब हिमाचल प्रदेश जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भी गाय आप लोग पालते हैं सब, है ना। तो घर का दूध घी सब आप खाते हैं घर का ही, बहुत अच्छा। तो आपके आपका आपके अगर मैं पूछ सकता हूँ आपके परिवार के बारे में ना, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति एक सर्विस मैन है। अच्छा, फौजी। आप फौजी की पत्नी हैं, एक फौज में बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल पत्नी सरपंच प्रधान गांव की। तो फौजी को लगता नहीं है कि अरे यार मैं फौजी, मेरी चलनी चाहिए, हैं? ऐसा होता है कि नहीं? समझदार आदमी हैं। समझदार हैं। तो मतलब जो भी घर का भी जो फैसले होते हैं सब बातचीत करके मिलजुल के। मुझे लगता है कि आज जो लोग ये ट्राइबल किचन का एपिसोड देख रहे होंगे और शीला नेगी को सुन रहे होंगे, उनकी ये धारणा भी टूट रही होगी कि औरतें जो हैं वो नेतृत्व नहीं कर सकती हैं, वो पंचायत नहीं चला सकती हैं, या वो सरकार नहीं चला सकती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक गांव में एक महिला को निर्विरोध प्रधान चुना जाना और उनका जो आत्मविश्वास है, ये एक बहुत बड़ा भरोसा दिलाता है कि हमारी देश की जो बेटियां हैं वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, चाहे वो परिवार का मामला हो चाहे वो देश का मामला हो, वो ज़्यादा बेहतर हमारे मसलों को समझती हैं और ज़्यादा बेहतर समाधान देने की कोशिश करती हैं। शीला जी देखें एक बार हुआ कि नहीं। अभी कच्चा है, कोई नहीं, ढक दीजिए थोड़ा और इंतजार सही। तो जो ये फसल होती है टमाटर की, लहसुन की, अदरक की, तो इसमें कितना है मतलब खर्चा, मजदूरी सब मिला के कुछ बचता भी है? मजदूरी हो जाती है सर उसमें पूरी। अच्छा, पूरा परिवार लगा रहता है तो ये समझो कि आपकी मजदूरी बच जाती है जी, मेहनत का पैसा मिल जाता है, बस इतना ही है। और कई बार तो वो भी नहीं मिलता, कभी दवाई के पैसे भी नहीं वापस मिलते, जो बारिश नहीं होती सूख जाते पौधे भी। कई बार अगर बारिश नहीं हुई तो नुकसान हो गया। चुका है, तैयार हो गया पूरी तरह से, अब मैं इसको नीचे उतारूंगी। अच्छा, हो गया? हो गया जी, हो गया। ठीक है, आप लोगों को भूख लग रही होगी। हाँ जी, बहुत तेज। तो अब हम आपको परोसते हैं, आप इसका स्वाद चखिए कि कैसा बना है। चलिए फिर आप सबके साथ, हैं? सबके साथ ठीक है। हाँ जी 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 जी, जी। अच्छा, यहाँ पे बैठते हैं, बहुत सुंदर, पूरा लकड़ी का फ्लोर है। ये क्या स्किन है क्या? ये स्किन है। अच्छा, अच्छा बकरी की? हाँ जी, हाँ जी, बकरी की है और उसके भी होते हैं इनके भी ना। अच्छा 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 अच्छा, बोलिए।
बस थैंक यू। तो ये बताइए आप लोग के आपके घर में सबसे इम्पोर्टेंट मेहमान कौन होता है, दामाद होता है या मामा होता है, कौन किसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है? हमारे मेहमान का भगवान का रूप है, सबको एक जैसा मानते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा नहीं है कि दामाद ज़्यादा, सब बराबर के होते हैं। तो दोस्तों उलोवड़े जो बेहद ख़ास तकनीक और बहुत ख़ास मसालों से और ढेर सारे तजुर्बे के साथ हमारी तीन बहनों ने बनाया है, उसका स्वाद चखने का समय आ गया है। हमारी थाली में गर्मा गर्म घी है देसी, और अब इसका स्वाद लेते हैं। आप भी शुरू कीजिए, है ना, आप सब लोग भी प्लीज़, और हम भी इसका स्वाद लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले के किसी भी गांव में जाते हैं तो जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो कभी सतयुग की बात आती है, कभी देवों की बात आती है। मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो स्वाद है वो दिव्य है, खूबसूरत है, लाजवाब है। शीला जी और आप दोनों बहनें बहुत ही कमाल का बना है, मैं इसको ज़रूर दिल्ली जाके ट्राई करूँगा कि बना सकें। और घी के साथ इसका, और आपके घर का घी है, गाय का घी, उससे खाने में मज़ा ही अलग है। जो इसके अंदर की फीलिंग है उसमें बहुत ही बैलेंस्ड मसाले हैं। मसाले के नाम पे सिर्फ जीरा है, बाकी तो अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्ची है, और हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं है। बहुत ही स्मूद और बहुत ही शानदार। तो दोस्तों मुझे ये अनुभव ज़िंदगी भर याद रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि इस हाथी परिवार के साथ इस गांव में हमने जो ट्राइबल किचन का ये एपिसोड तैयार किया है आप इसे पसंद करेंगे, और हमारी इन बहनों को दुआएं देंगे कि ये जिस रास्ते पर हैं उसमें इन्हें कामयाबी मिले। आप जानते हैं इनमें से शीला नेगी जो है वो अपने गांव के प्रधान हैं, और बाकी जो दो इनकी दोस्त हैं वो भी बहुत जागरूक हैं अपने हक अधिकारों को लेकर, अपने समाज और अपने गांव और परिवार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।